तो भाई सोशल मीडिया के दौर पर ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हाई पीक ट्रेंडिंग पर चल रही हैं, जो एक ऐसे बिजनेस टाइकून की वेडिंग यानी उसके बेटे की वेडिंग यानी मुकेश अंबानी के बेटे की जो अनंत अंबानी की अभी शादी हुई थी, जहां पर 1000 करोड़ सिर्फ शादी मतलब प्री वेडिंग सेरेमनी में खर्च करे गए। और ये सब कुछ वेल प्लान्ड था कि भाई ये महीनों भर तक चलता रहेगा ट्रेंड में, लेकिन इस दो दिन में इस पूरी हाइप को इस पूरे ट्रेंड को ख़त्म कर गया एक एल्विस यादव वर्सेस मैक्स स्टंट की फाइट ने। एक ऐसे दो यूट्यूबर्स जो एल्विस यादव खैर बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी करते हैं और बहुत लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक ऐसा यूट्यूबर फिलहाल इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। खैर मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता, खासकर मुझे भी नहीं पता था। अगर एल्विस यादव इसमें एक्शन ना लेता तो शायद मुझे इसके बारे में पता नहीं लगता। जिसे अच्छे खासे फॉलोअर मिल गए, इस दो ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसने कंप्लीट कर लिए मैक्स स्टंट। तो इस समय भाई बहुत कुछ चीज़ें देखने को भी मिली कि एक तो ये देखने को मिला कि भाई दो जनों का जब लफड़ा होता है तो तीसरे को पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इसमें कूद पड़े थे अपना ओपिनियन अपना जजमेंट जज बन के, भाई तू ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह, बहुत से मीम्स बन रहे थे, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो एक बार के लिए कि ओपिनियन अपना रखना चाहिए, क्योंकि एल्विस यादव एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है भाई, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। अगर वही एक वायलेंट को प्रमोट करेगा ऐसे अपने बिहेवियर से, एंगर मैनेजमेंट पे भाई बहुत सी बड़ी बड़ी बातें चलती हैं, लेकिन वो एंगर मैनेजमेंट यहाँ पर आकर ऐसे डिसमैनेज हो जाएगा तो ऐसे फूट के निकलेगा तो भाई बातें तो चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन इस बीच ऐसा भी पता लगा कि भाई एक ऐसी रैंडम सीना यानी एक ऐसी भीड़ आपको सपोर्ट भी करेगी और वही भीड़ आपको डिस सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि अभी जब दो दिन पहले एल्विस यादव ने उसको मारा तो यहाँ पर किसी भीड़ में से एक ही बंदे का ओपिनियन ये रहा कि भाई ये बंदा गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अब जो वो कॉम्प्रोमाइज पर आ चुके हैं तो वो मैक्स स्टंट को ही मतलब उस बंदे को ही दोबारा से क्रिटिसाइज करने लगे कि क्या मतलब क्या बंदा भाई, तेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है, तो अभी दो दिन पहले उससे पिटा है, देन उसके बाद तू गले मिल रहा है और पूछी वगैरह वगैरह। तो जो फिलहाल मेरे हिसाब से जो मोटा मोटा मुझे देखने में आया कि जो अभी तक जो पूरा अगेंस्ट है एल्विस यादव के, भाई वो जो तबका है अब वो अगेंस्ट हो रहा है किसकी तरफ, मैक्स स्टंट की तरफ। क्योंकि भाई सही में अगर आप चाह ही रहे थे कि एक लंबा कंट्रोवर्सी चले, जो आप अपनी वीडियोस में खुद बोल रहे थे कि भाई मैं तुझसे सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं तुझे अपोलोजाइज नहीं करूंगा चाहे तू कितनी ही बंदी लेकर आ जा, और एल्विस यादव लेके भी आया था, लेकिन दो ही दिन में इतना मामला सुलझ जाएगा तो इससे क्या सेंस बनता है। दूसरा भाई बड़े बड़े लोग भी इसके बीच में आके घुसे और अपना अपना ओपिनियन भी दिया। भाई आशीष चंचलानी भी आए और खतरनाक स्टेटमेंट ये भी देके चले गए कि भाई लगता है कि यूट्यूब छोड़ दिया जाए मतलब ऐसी चीज़ें देखकर। और ध्रुव राठी भी अपना ओपिनियन शेयर करा और सपोर्ट कर रहे थे मैक्स स्टंट को और एल्विस यादव के अगेंस्ट थे, लेकिन भाई अब कहानी पलट चुकी है। ध्रुव राठी के वो वर्ड का क्या मोल रह गया जहां मैक्स स्टंट ने अपने वो वर्ड वापस ले लिए, मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है कि नहीं है इस बंदे के अंदर, वो इतना नहीं आ रहा है जमता नजर। दूसरा भाई एक चीज साफ ये देखने को नजर आ गई कि पीपल्स के मतलब लोगों के स्टेटमेंट कैसे बदलते हैं। अभी जो उसको सपोर्ट कर रहे थे मतलब मैक्स स्टंट को, और अभी उसके अपोजिट में खड़े हो गए जो अपोज कर रहे थे, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे एल्विस यादव को, वो अब थोड़ा सा सिंपथी दिखाने लगे कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब ये बंदा एक बार के लिए ठीक ही होगा अपनी जगह पे, अगर क्योंकि उसे ऐसे थ्रेटन मिलेंगे, कोई उसे पोक करेगा तो एक बार के लिए कर भी सकता है। लेकिन भाई देखा जाए तो गलत दोनों ही हैं अपनी जगह पर, एल्विस यादव भी और अब जो मैक्स स्टंट ने किया है वो, क्योंकि ऐसी फाइट के लिए भाई साहब पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। वन एंड वन फिलहाल वन एंड वन वाली फाइट तो नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि एल्विस यादव के साथ और भी लोग आए थे जो सपोर्ट तो पता नहीं कितना कर रहे थे, बस बोल ही रहे थे कि भाई मत मारो, लेकिन मैक्स स्टंट को पकड़ रहे थे और एल्विस यादव दनादन लाइन से कूटते जा रहा था उसको। जिसके कुछ टाइम बाद मैक्स स्टंट ने खुद अपने चैनल पे वीडियो में मतलब खुद वीडियो निकाली थी कि भाई मुझे यहाँ यहाँ इंजरी हुई है, मेरे होंठ सुझा दिया गया है, मेरे स्पाइन पर सेल फोन से मारा गया था, जहाँ से अगर वो जो स्ट्राइक थी या फिर जो भी प्रहार कह सकते हैं अगर हार्ड होता तो मेरा स्पाइन टूट सकता था, जिससे मैं भाई अपाहिज हो सकता था। बहुत कुछ मतलब सिंपथी लेने के लिए जितना कुछ हो सकता था उसने वो कुछ हर कुछ मतलब बोला और करा। खैर ये चीज़ गलत भी थी कि भाई वॉयलेंट नहीं होना चाहिए। एल्विस यादव यू आर अ बिग इन्फ्लुएंसर,
बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अगर खैर कोई नहीं, ये मुद्दा दो दिन का था और सॉल्व आउट हो चुका है, दोनों भाई भरत मिलाप हो चुके हैं और अब क्या गिला सिखवा रही है। बस यही है कि बातें बदल गई हैं, पहले जो बातें उसके खिलाफ थी अब वो बातें उसके साथ हैं, और अब वो बातें जो उसके खिलाफ थी दो दिन पहले तक, उनमें से कुछ बातें अब इसके खिलाफ हो गई हैं। तो बातों का क्या है, बातें तो बनती रहती हैं, कभी इसके फेवर में कभी उसके फेवर में। फिलहाल इसे यहीं स्टॉप करते हैं। लेकिन भाई यहाँ से चीज़ ना एक सीखने वाली ये है कि जब आप एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हो, जिसे आपने बहुत मेहनत से कमाया है, जो भी अपना रेपुटेशन कमाया है, नाम कमाया है, लेकिन भाई इस रेपुटेशन को कमाने के बाद, इस ओहदे को कमाने के बाद उसे मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी अगर ग्रेट्स रहे हैं भाई, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी बड़ी सी बड़ी तलवार जो है ना ढह जाती है जंग लगने के लिए, बस उसे छोटे से एक छोटी सी थोड़ी सी हवा और थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है और वो तलवार भी ठह जाती है। तो ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को सुलझाया जा सकता है, कैसे, उन पे ध्यान ना देकर, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें चलती रहती हैं आपके खिलाफ। चलने दो, पीठ पीछे, खैर सभी के लिए है ये बातें, पीठ पीछे बातें चल रही हैं, कोई आपको कुछ कह रहा है तो कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहने के लिए मुंह किस किस के बंद करे जाएंगे, क्योंकि हजार मुंह नहीं कहूँगा, लाखों मुंह हैं। तुमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो जरूर बता के जाना, कैसे टाइम पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और अगर रिएक्ट कर भी लिया है तो अपना स्टेटमेंट ऐसे नहीं बदलना चाहिए लाइक मैक्सटर्न भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी एक चीज़ होती है भाई।